हेलो एंड वेलकम एवरीवन एंड वेलकम टू सेशन ऑफ लॉ एंड एथिक्स तो भाई लॉ जो आपका हंड्रेड मार्क्स का पेपर है सी एम फाउंडेशन में ये आप लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो मतलब आपने इलेवन ट्वेल्थ में प्रॉबली ये सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा होगा हाँ अगर आप ग्रेजुएट हो आपने ग्रेजुएशन करी है या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो हाँ आपने ये सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा होगा जिसका नाम है लॉ तो लास्ट टू क्लासेस में हम लोगों ने लॉ का बेसिक स्ट्रक्चर देखा लॉ की बेसिक रूपरेखा देखी लॉ कैसे बनाया जाता है लॉ कहां से अराइज होता है लॉ की जरूरत क्या होती है कौन से सोर्सेज हैं जहां से लॉ अराइज होता है हमने ये सारी चीजें अपने पिछले दो चैप्टर्स में देखी पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में देखी जहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया कि भाई लॉ बनता कैसे है उसका प्रोसीजर क्या होता है ज़रूरत कहाँ से निकलती है डिस्प्यूट के समय उसकी ज़रूरत निकलती है मैंने आपको ये डिटेल में बताया प्लस लॉ किस तरह अप्लाई किया जाता है किन सिचुएशंस में लॉ आप एप्लीकेबल होगा डिफरेंट पार्टीज पे आ, कौन वो पार्टीज होंगी जिन पे लॉ अप्लाई होगा ऑब्वियसली जो लड़ रही हैं आपस में जो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था कर रही हैं वो वाली पार्टीज होंगी जिन पे लॉ अप्लाई होगा लॉ uh, कहाँ से आएगा वही तीन सोर्सेज से भाई लॉ आएगा या तो कॉन्स्टिट्यूशनल नीड्स right होंगे ह्यूमन राइट right के नीड्स होंगे या कॉन्ट्रैक्ट्स के नीड्स होंगे यहाँ से लॉ अराइज होगा तो आओ आज बेसिकली हम लोग अपना सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं आज जो आपका बेसिक चैप्टर है वो हम शुरू करने जा रहे हैं जी हाँ लास्ट क्लास में हमने कोई लॉ नहीं शुरू किया कोई आपका चैप्टर नहीं शुरू किया आज हम आपका पहला लॉ और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ शुरू करने जा रहे हैं लॉ का नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉज विच आर प्रिवेलिंग इन द कंट्री और एक बहुत ज्यादा फंडामेंटल लॉ है जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाइनटीन सेवनटी टू सॉरी एटीन सेवनटी टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला जो एक्ट है ये जब हमारा बना था संविधान जब हमारा बना था उससे भी पहले का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और ये वाला जो एक्ट है ये हमारे इंडिपेंडेंस से भी पहले का एक्ट है हाँ जी ये हमारे इंडिपेंडेंस से भी पहले का एक्ट है तो ये प्री इंडिपेंडेंस एरा का एक्ट है ये एक्ट अभी का नहीं है ये एक्ट इंडिपेंडेंस की बात करनी है ये एक्ट सदियों सदियों से चला आ रहा है मतलब इंडिपेंडेंस से पहले भी हम लोग ये वाला एक्ट यूज़ करते थे तो नेचुरल सी बात है ये कहने की बात नहीं है और मुझे कोई शर्त नहीं आती इस बात को कहने में कि दोस्तों ये जो एक्ट है ये अडॉप्ट हुआ है इंग्लिश लॉज से नेचुरल सी बात है इंडिपेंडेंस से पहले आ, अंग्रेज हम पे राज करते थे तो उन्हीं के लॉज से ये वाला एक्ट डिराइव हुआ है और अंग्रेजों ने ही ये वाला एक्ट सबसे पहले बनाया था तो सर अंग्रेजों ने ये वाला एक्ट जब बनाया था तो उससे पहले क्या होता था जरा ये बताइए बिल्कुल भाई मैं हिस्ट्री बताऊंगा इस एक्ट की मैं प्रॉपर आपको लेके चलूंगा एटीन से पहले क्या हुआ था फिर एटीन में क्या हुआ और एटीन के बाद क्या हुआ मैं आपको प्रॉपर इस टाइमलाइन पे हिस्ट्री में लेके चलूंगा लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं जो हमने लास्ट क्लास में अपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करी थी वो थी सोर्सेज ऑफ लॉ भाई लॉ कहां कहां से आ सकते हैं लॉ को जब हम बनाते हैं तो हम किन चीजों को देखते हैं लॉ को बनाते हुए किन चीजों की वजह से लॉ आता है और कौन से वो मैंडेटरी uh, सिटीजन को राइट दिए जाए ये कौन हमें बताता है uh, जो लॉ हमको uh, बनाना है वो लॉ uh, uh, कौन कौन सी बातें माने किन चीजों को ध्यान में रख के वो लॉ बनाया जाए तो वो कौन से सोर्सेज हैं जहां से लॉ डिराइव होता है हमने लास्ट क्लास में ये देखा आओ वो एक बार अपना रिवाइज करते हैं तो सबसे पहला जो सोर्स है जहां से लॉ बनाया जाता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो भाई जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हो जिस कंट्री के आप सिटीजन हो दोस्तों उस कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान है जो कुछ बेसिक बेसिक राइट्स राइट्स हर 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 आदमी को देता है अब ये कंट्री कंट्री में सेम नहीं होते हर के अलग अलग होते हैं फॉर एग्जाम्पल भाई हमारी जो कंट्री है इंडिया उसका एक बेसिक राइट right है सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे किसी को भी हम रिलीजन के नाम पे भेदभाव नहीं करेंगे और सबके पास इक्वल राइट्स होंगे हाँ यकीन मानना कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर सेक्युलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं माना जाता वहां यह कहा जाता है कि नहीं भाई नहीं हमारी कंट्री हिंदू कंट्री या मुस्लिम कंट्री या सिख कंट्री या ईसाई कंट्री ही है हम चारों को इक्वल सम्मान नहीं देंगे हम अपने आप को एक मुस्लिम कंट्री ही मानेंगे या हम अपने आप को एक हिंदू कंट्री ही मानेंगे या हम आपके आ, अपने को एक ईसाई कंट्री ही मानेंगे तो कई कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो सेक्युलरिज्म का राइट right नहीं देते अपने सिटीजन को तो बताना कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो और एक्ट्स बनेंगे जैसे ये भी एक एक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं कोई भी और एक्ट बनेगा क्या वो एक्ट सेक्यूलर सेकुलरिज़म का पालन करेगा आंसर इज नो वो वैक सेक्युलरिज्म का पालन नहीं करेगा और कोई भी एक्ट सेक्युलर रिज़म को प्रमोट नहीं करेगा और अपने सिटीजंस uh, को इक्वल राइट्स नहीं देगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन अगर उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि भाई हमारी कंट्री एक मुस्लिम कंट्री है या हमारी कंट्री एक हिंदू कंट्री है तो नेचुरल सी बात है हिंदुओं को प्रेफरेंस दी जाएगी अगर वो हिंदू कंट्री है मुस्लिम्स को प्रेफरेंस दी जाएगी अगर वो मुस्लिम कंट्री है तो तो बायसनेस हो सकता है अब आपको सर ये तो गलत बात है अरे भाई देखो गलत सही कुछ नहीं होता ये विचारधारा होती है विचारधारा में सही क्या है गलत क्या है ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता ये अपनी अपनी विचारधारा है अपना अपना मत है जिसको जो मान्य है वो मान सकता है जैसे हिंदुइज्म में भी कई कई विचारधाराएं हैं अब जैनिज्म हिंदुइज्म से एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ निकला हुआ एक मत है मत वो एक अलग रिलीजन बना है लेकिन वो एक सोच है जो हिंदुओं में ही एक अलग सोच निकल के आई सिमिलरली वैष्णव लोग हिंदुओं में ही निकले हुए एक मत हैं शिया सुन्नी दो मत हैं जो कहाँ से निकले हैं जो मुस्लिम समाज से निकले हैं तो ये सोच है इसमें गलत सही कुछ नहीं होता जो कंट्री जिस तरह का संविधान अडॉप्ट करेगी उस कंट्री के लॉज उसी तरह के बनते चले जाएंगे बनते चले जाएंगे बनते चले जाएंगे तो सबसे पहली चीज जो हमें लॉ का सोर्स बताती है जो हमें लॉ को अराइज करने का हमारा आ, आ, माध्यम बताती है लॉ कहां से जागृत होगा लॉ कहां से आएगा लॉ पैदा कहां से होगा लॉ जब बन रहा होगा तो वह सबसे पहले अपने माँ या बाप के रूप में किसे देख रहा होगा अपने पेरेंट के रूप में किसे देख रहा होगा सबसे पहला जो सोर्स होता है लॉ का वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भाई सरकार को ऐसे लॉ बनाने पड़ेंगे जिससे कि जैसे अगर इंडिया में सेक्युलरिज्म है तो हिंदुओं को मंदिर में जाने का राइट हो हिंदू मंदिर बना सके मुस्लिम को मस्जिद बनाने का राइट हो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का राइट हो अपने अपने धर्म का प्रचार करने का राइट हो अपने धर्म गुरुओं को फॉलो करने का राइट हो अपने धर्म की पुस्तकों को फॉलो करने का राइट हो ये सारे राइट हम देंगे हिंदुओं और मुसलमानों को इक्वली सिख को ईसाई को इक्वली अगर हमारी एक सेक्युलर स्टेट है तो हमारे जो लॉज बनेंगे उसमें इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि किसी को भी भेदभाव ना हम करें हम किसी को भी ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट या कम अच्छा ट्रीटमेंट ना करें सारे लॉज सब पर इक्वली अप्लाई होने चाहिए चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो कुछ भी हो तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के ऊपर कोई लॉ बनाएंगे तो इक्वालिटी तो का राइट सबके पास है भाई इक्वालिटी का राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको दिया है तो अगर ऐसा कोई भी लॉ होगा जो इस इक्वालिटी के लॉ को भंग करने की कोशिश करेगा फॉर एग्जाम्पल सपोज लॉ रिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशन जो एडमिशन होता है ना ट्वेल्थ पास बच्चों का यूनिवर्सिटी में सपोज उस लॉ के तहत उस यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट ग्रांट कमीशन के बाय लॉज होते हैं उन बायॉज़ के तहत ये चीज़ लिखी है कि भाई हम अपनी यूनिवर्सिटी में जो हमारे फीमेल स्टूडेंट्स होंगे उनको हम कोटा रिजर्व करते हैं हम 60% परसेंट कोटा फीमेल्स के लिए रखते हैं और 40% परसेंट कोटा हम बॉयज के लिए रखते हैं तो भाई ये है इक्वलिटी के राइट right का हनन हनन मतलब आप इक्वलिटी के राइट को खत्म कर रहे हो यहां पर आके आपको सबको इक्वल स्टेटस देना चाहिए और क्योंकि आप इक्वल स्टेटस सबको देते हो तो आपको इंपॉर्टेंट है कि आप सबके साथ इक्वल व्यवहार करो आप किसी के साथ भेदभाव ना करो हाँ रिजर्वेशन सिस्टम है इंडिया में अब वो भाई वो एक सिस्टम है जो एक अलग लॉ के तहत गवर्न है उसको हम इन नहीं कहेंगे उसको हम कुछ स्पेशल क्राइटेरिया के बेसिस पे जो प्रेफरेंस मिलती है जैसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन या माइनॉरिटी इनके बेसिस पे जो प्रेफरेंस दी जाती है उसे हम इन नहीं कहेंगे रिजर्वेशन देने का राइट right हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमको दिया है तो वो इक्वालिटी के राइट right के अगेंस्ट नहीं हुआ वो उल्टा इक्वालिटी के राइट right को और ज्यादा पुख्ता करता है कैसे ऐसे कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो अब uh, हमें चाहिए कि वो हमारे इक्वल आके खड़ा हो तो उसके लिए हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है हाँ ये आज़ादी के समय वाला प्रिंसिपल प्रॉबली ज्यादा सूटेबल था आज जब uh, हमारे जो वीकर सेक्शन

कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोपाउंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के राइट को और पुख्ता करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन के राइट ढंग से सिटीजन्स को मिल रहे हैं इस बात को इंश्योर करेगा तो सबसे पहला सोर्स ऑफ लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो ऑल द राइट ऑल द लॉज विच विल फॉलो द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स विच विल गिव द बेसिक कॉन्स्ट्यूशन टू इट्स पीपल विल बी दोर्स ऑफ दो लॉज विल बी कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स इसके अंदर बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अधिकार है ये लॉ बनाने का और गवर्नमेंट के पास ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का राइट right है गवर्नमेंट के पास ही कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का राइट right है कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ भी फेरबदल करने का राइट right, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के पास है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चाहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में करेगा और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हुआ वैसे ही जो डिफरेंट एक्ट्स हैं उनमें अपने आप बदलाव होता चला जाएगा जैसे आर्टिकल थ्री पे कितना बवाल मचा भाई दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर को जब हिंदुस्तान ने अपना पार्ट में शामिल करने का फैसला किया लीगली भी हालांकि वो हमारा ही पार्ट था शुरू से लेकिन लीगली हम हमेशा पढ़ते थे कि एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग लॉ था बाकी हिंदुस्तान का अलग लॉ था अभी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन से तो अब देखना इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट पता है क्या होगा इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा वो तमाम लॉ जो ये कहते थे कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर वो तमाम लॉ में अमेंडमेंट हो गई है और वो सारे के सारे एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होंगे गोइंग फॉरवर्ड

अपने आप को ये कह सकता है कि भाई मैं तो सेल्फ सफिशियंट हूँ मैं कोई वर्ल्ड वर्ल्ड को नहीं जानता मुझे नहीं पता कौन से वर्ल्ड की आप बात कर रहे हो मैं तो भारत हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वर्ल्ड क्या है कैसे है क्यों है मुझे तो अपने भारत से फर्क पड़ता है भाड़ में जाए पूरा का पूरा वर्ल्ड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अपने भारत से फर्क पड़ता है और मैं भारत के संविधान का रिस्पेक्ट करता हूं भारत के संविधान में जो भी बातें लिखी हैं मैं सिर्फ उसे मानूंगा और मैं जो और देश हैं बाकी सारे जो देश हैं उनसे क्या रिलेशनशिप रखना है किस तरह की बातचीत करनी है किस तरह की वार्तालाप करनी है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लॉ कोई भी मान्यता नहीं देंगे मेरे लॉ किसी भी तरह की कोई रेस्पेक्ट नहीं देंगे किसी भी कंट्री के लॉ को क्या हम ऐसा ऐसा एकाकी एकाकी कहते हैं सोलो जब आप लोनर होते हो जब आप अलोन होते हो जब आप अकेले होते हो क्या आप ऐसा एकाकी व्यवहार अपना सकते हो क्या आप ऐसा सेल्फिश व्यवहार अपना सकते हो ये जानते हुए कि आप वर्ल्ड में रह रहे हो ऐसे वर्ल्ड में जिसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं और ये जानते हुए कि आपको बाकी सारी कंट्रीज का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए कि भी um, uh, uh, हमें um, उनके राइट्स का भी ध्यान रखना चाहिए क्या आप ऐसा एकाकी um, uh, 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 स्वभाव अपना सकते हो आंसर इज नो वी एज सिटीजन ऑफ इंडिया लिव इन वर्ल्ड वेर लॉट ऑफ कंट्रीज आर ऑल्सो देयर नॉट ओनली शुड रिस्पेक्ट आर राइट्स बट वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट राइट ऑफ आर फेलो मेंबर्स फेलो सिटीजन हू आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है जो यूएसए के लोग हैं हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है जो सिंगापुर के लोग हैं हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है जो चाइना के लोग हैं ओके <clears throat> मतलब वो आपकी मर्जी है आप करो ना करो तो हमें उन भी लोगों को रिस्पेक्ट करनी है जो मलेशिया के लोग हैं हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है जो कैनेडा के लोग हैं पूरे वर्ल्ड के जितने भी सिटीजन हैं पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं उन सब की हमें रिस्पेक्ट करनी है चाहने वाली बात सिर्फ मजाक थी ठीक है सीरियसली मत लेना प्लीज ओके okay, सर तो हम लोग जब पूरे वर्ल्ड की रिस्पेक्ट करेंगे जब हम पूरे वर्ल्ड के संविधान की रिस्पेक्ट करेंगे जब हम पूरे, पूरे के पूरे वर्ल्ड के लॉज को ये कटिबद्धता लेंगे कि हां हम ना केवल हिंदुस्तानियों को राइट्स देंगे बल्कि जो ह्यूमन ब्रीड है जो ह्यूमन बींग्स है क्योंकि हम एक ही ब्रीड के लोग हैं हम ह्यूमन बींग्स हैं हम सब ह्यूमन बींग्स को राइट right देंगे हम सब ह्यूमन बींग्स को अपॉर्चुनिटीज देंगे इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे ग्रो करने की हम भेदभाव नहीं करेंगे लोगों के साथ हम बैड ट्रीटमेंट नहीं करेंगे हिंदुस्तान के बाहर के लोगों के साथ अगर हम ये कटिबद्धता अपने अंदर लाते हैं ये के एक के कॉन्स्टिट्यूशन एक ये डिसिप्लिन अपने अंदर लाते हैं तो क्या ये बात सही है या गलत है सर ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि आप जायों में नहीं रहते क्योंकि आप वैक्यूम में नहीं रहते आपको अल्टीमेटली रहना तो सोसाइटी में ही है आपको ट्रेड तो अपने पड़ोसियों पड़ोसियों आस के साथ ही करना है गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा के साथ ट्रेड करना है और जिनसे आपके बॉर्डर्स अटैच हैं चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो चाहे श्रीलंका हो चाहे चाइना हो चाहे नेपाल हो जिनसे आपके बॉर्डर्स अटैच हैं स्पेशली का रिस्पेक्ट करना है आपको क्योंकि उनके साथ आप किसी भी तरह का वॉर फटिंग नहीं चाहते किसी भी तरह की फ्रिक्शन नहीं चाहते उनके साथ तो उनका रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है सर कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बता दिया कि ऑल ओवर इंडिया में जो आपस में जो इंडिया के लोग हैं वो एक दूसरे का कैसे सम्मान करेंगे वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बता दिया सर अब ऐसा कैसे हम एक वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं सुनना ध्यान से हम वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं ताकि वहां पर वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड के जितने भी सिटीजन हैं वो सब के सब हमको जीने का अधिकार दें राइट्स दें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें और हमारे को जो हम बेसिक नीड्स चाहते हैं जो बेसिक रेस्पेक्ट, बेसिक हैंक्यूलर ट्रीटमेंट हो इक्वालिटी हो हमारे साथ ये सब चाहते हैं वो मिले तो सर क्या एक वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत है आंसर है हां एक वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत है और दोस्तों वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जिम्मेदारी की जिम्मेदारी किसकी है वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आपने नाम सुना हुआ होगा इसका शॉर्ट फॉर्म है यूएनओ इनके पास जिम्मेदारी है कि हम लोग एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं हम लोग एक ऐसा डॉक्यूमेंट uh, बनाए जिससे सारी कंट्रीज के प्रधानमंत्री साइन करेंगे सारी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव उसे साइन करेंगे और अग्री करेंगे कि हाँ ना केवल हम अपने देश में इक्वलिटी uh, लाएंगे अपने देश में प्रोस्पेरिटी लाएंगे अपने देश के वासियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे अपने देश के वासियों को प्रॉस्पर होने का चांस देंगे बल्कि हम पूरे के पूरे वर्ल्ड के ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे इस डॉक्यूमेंट या इस संस्था में जो एक संस्था है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एक संस्था है जो इस को सॉल्व करती है उस संस्था का नाम है ह्यूमन राइट्स कमीशन और दोस्तों एक चार्टर बनाया है ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उस चार्टर को वेरियस कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने साइन किया है और अग्री किया है कि हाँ हम वर्ल्ड के इंडिविजुअल्स को रिस्पेक्ट करेंगे वर्ल्ड के कंट्रीज़ uh, के लोगों को रिस्पेक्ट करेंगे और हम लोग जैसा ट्रीटमेंट अपने देशवासियों के साथ करते हैं हम वैसा ही ट्रीटमेंट बाहर के लोगों के साथ भी करेंगे सो सेकेंड सोर्स ऑफ लॉ इज ह्यूमन राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़ा है जो कॉन्स्टिट्यूशन को भी बाध्य नहीं करता यह है यूनाइटेड नेशन का चार्टर ह्यूमन राइट्स और ये ह्यूमन राइट्स आपके लॉ को गवर्न कर सकता है आपके कंट्री में कोई एक्ट बने जिस, जिसकी प्रेरणा कहां से आई हो जिसकी प्रेरणा आई हो ह्यूमन राइट्स कमीशन से या यू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से उसकी प्रेरणा आई हो ऐसा हो सकता है मैं एक ऐसे लॉ का वर्णन करना चाहूंगा तो भाई कार्बन क्रेडिट्स के बारे में आपने सुना होगा कार्बन क्रेडिट्स कार्बन क्रेडिट्स क्या होता है ब्रीफ में सुनना जरा जो हम बिजली जनरेट करते हैं जो हम बिजली को कंज्यूम करते हैं जो हम नेचुरल पदार्थों को कंज्यूम कर रहे हैं जो हम पेट्रोल जला रहे हैं रोजमर्रा में अपने काम करने में डीजल जला रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज को जला रहे हैं उससे बहुत सारा कार्बन एमिशन होता है और ओजोन लेयर में एक ब्लैक होल बनता जा रहा है जो तो दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है ये सिर्फ इंडिया के लिए खतरनाक नहीं है ये वर्ल्ड की सारी कंट्रीज के लिए खतरनाक है तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने एक चार्टर बनाया एक लॉ बनाया एक संविधान बनाया एक एक्ट बनाया आप देसी मतलब अपने इंडियन भाषा में उसे एक्ट कह सकते हो इंटरनेशनल भाषा में इसे बोलते हैं चार्टर तो एक ऐसा दस्तावेज बनाया एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जहां उसने कुछ शर्तें लिखी कार्बन क्रेडिट की एमिशन को रोकने के लिए और सारी कंट्रीज से कहा इन शर्तों को मानो और अपने सिग्नेचर्स करो सारी कंट्रीज ने उस पर सिग्नेचर्स किए और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हम लोग आज मीट कर रहे हैं इन कार्बन क्रेडिट्स एमिशन के रिस्पेक्ट में जो किसने बनाए बनाए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो लॉ तो इंडिया में अप्लाई हुआ लेकिन लॉ बनाया किसने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया और हमने उसे अडॉप्ट किया हमने उसे अडॉप्ट करने के बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को ये कमिटमेंट दी कि हाँ हम भी कार्बन एमिशन रोकने के लिए भरसर प्रयास करेंगे पूरी कोशिश करेंगे कि कार्बन एमिशन रुके हमारी तरफ से जो भी आ, आ, स्टेप्स होंगे हम वो ज़रूर लेंगे हमने आश्वासन दिया सो so ये दोस्तों एक एक्ट बना जो ह्यूमन राइट्स को बचाता है तो एक तरह से मैं लेमन भाषा में ये कह सकता हूं दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ होल सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पालन करना जितना हमारे लिए जरूरी उतना ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड भी हमारे लिए पालन करना जरूरी नेचुरल सी बात है भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है

तय करते हैं कि हां हमें ऐसा करना चाहिए सो so

एक्ट ऐसा बनाएंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो बेसिक राइट right है विच इज़ राइट टू इक्वालिटी हम उस पर दंड देंगे उन लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पालन नहीं करते तो सबसे पहला जो लॉ बनाने का पर्पस है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पालन करना जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पालन नहीं करेगा उस पर हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कोई भी अवहेलना ना कर सके दूसरा हम चाहते हैं जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो हर ह्यूमन बींग की नीड होती है जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने uh, uh, डेवलप किए हैं हम चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड वो भी अप्लाई हो और जो भी उनकी अवहेलना करे उसको भी भाई दंड मिले उसको भी डेफिनेटली uh, सजा मिले क्योंकि ये जो राइट्स हैं ये किसी इंडिविजुअल को इफेक्ट नहीं करते किसी कंट्री को इफेक्ट नहीं करते बल्कि ये वर्ल्ड एज अ होल को इफेक्ट करते हैं तो बहुत जरूरी है इनका पालन करना और सरकार चाहती है कि हम इन्हें एनफोर्स करें ताकि इनका पालन हो और ताकि uh, uh, ये वाले राइट्स भी अप्लाई हो सके और हम इनको फॉलो कर सकें ठीक है सर अब देखना तीसरा सोर्स जो है लॉ का वो बड़ा ही विचित्र बड़ा ही विचित्र क्या है वो बड़ा ही विचित्र इसलिए है कि तीसरा जो लॉ का सोर्स होता है वो होता कॉन्ट्रैक्ट विच आर वॉलंटरी बिटवीन टू पार्टीज तो अब देखना संविधान ने बोला इक्वालिटी दो हमें सबको इक्वालिटी देनी है ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोला ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करो ओजोन लेयर में जो छेद हो रहा है उसे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बुरा इन्वायरमेंट पर इफेक्ट करेगा पूरे के पूरे वर्ल्ड की हमने बोला ठीक है हमें ये आ, आ, हमें आ, ये पालन करना चाहिए कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के ओजोन लेयर को हम प्रोटेक्ट कर सकें तीसरा दो लोग आपस में वॉल्टरी डीलिंग कर रहे हैं एक आदमी ने दूसरे आदमी को कहा कि आ, भाई आ, तुम मुझे जरा रिक्शा से आगे तक छोड़ आना दूसरा आदमी ने कहा ठीक है हमें रिक्शा से आपको छोड़ाऊंगा आगे तक पैसे आपको बीस रुपए देने पड़ेंगे जब आदमी रिक्शा से उतरा उसने बीस रुपए की जगह पंद्रह रुपए दिए रिक्शे वाले को उसने कहा नहीं यहां नहीं, तक के तो 15 ही लगते हैं क्या हमें इसके लिए भी एक लॉ बनाने की जरूरत है सर यह बताइए सरकार क्यों पचड़े में पड़ रही है दो लोगों के बीच में अरे दो लोगों की बात है ना दो लोगों की बात है ना वो आपस में सुलट लेंगे उन दोनों को सुलटने दो आपस में सर सरकार क्यों बीच में पड़ रही है सरकार के पास क्या ये बड़े बड़े काम नहीं है करने के लिए जो वो दो लोगों के की आपस में घर का मामला है जिसे कहते हैं ना हम कई बार कहते हैं घर का मामला है ये घर का मामला है सर सरकार क्यों इसमें पड़ रही है बीच में कॉन्ट्रैक्ट में सरकार क्यों लॉ बनाने की कोशिश कर रही है जो दो लोगों के आपस के बीच की बात है जो दो लोगों के आपस के बीच का मसला है वो उन दोनों को सॉल्व कर लेने दीजिए जो रिक्शे वाला है और जो आ, आ, सवारी है उसको आपस में आप डील करने दो क्योंकि दोनों ने आपस में अग्री किया था अब रिक्शे वाला जाने या आ, जो सवारी चढ़ी थी वो जाने सर सरकार क्यों बीच में पड़ रही है कॉन्ट्रैक्ट्स के जो वॉलंटरी हैं जो ना कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि तुम्हें करने चाहिए ना ह्यूमन राइट्स बोलता है कि तुम्हें करने चाहिए ना कॉन्स्टिट्यूशन ने उनमें कोई राइट्स या ड्यूटीज असाइन करी हैं ना ह्यूमन राइट्स ने कोई राइट्स या ड्यूटीज असाइन करी हैं दोनों साइलेंट तो सर सरकार क्यों लॉ बनाए पे एक्शन सरकार क्यों लॉ बनाए दोस्तों सरकार इसलिए लॉ बनाए पे भी क्योंकि देखो अल्टीमेटली होगा क्या ultimately होगा ये कि रिक्शे वाले को पंद्रह रुपए मिले जो सवारी थी उसने बीस रुपए का वादा किया था बट पंद्रह रुपए दिए रिक्शे वाले ने क्या किया रिक्शे से उतर के सवारी के मुंह पे नाक पे घूसा मारा और सवारी की नाक टूट गई सफारी चुप तो बैठेगी नहीं सवारी ने पत्थर उठाया सड़क पे बहुत बड़ा पत्थर लगा था और वो रिक्शे वाले के ऊपर देख के मारा रिक्शे वाले का एक कान कट गया ब्लीडिंग होने लगी कान वाली साइड से ये ये जो लड़ाई है ये बढ़ती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी और जो लॉ एंड ऑर्डर है किसी भी कंट्री का वो खत्म हो जाएगा तो सरकार को कोई मतलब नहीं है आपके वॉलंट्री एक्ट से आपको जो मर्जी आए वो करो लेकिन सरकार ये चाहती है कि किसी भी कंट्री में किसी भी कंट्री का सरकार ये चाहेगी भाई कि किसी भी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे तुम आपस में क्या करते हो तुमने एक दूसरे का माल की चोरी करी तुमने कम पैसे दिए ज्यादा पैसे दिए कम क्वालिटी का घटिया माल दिया अच्छा माल दिया आपस में सुलट लो तो तो सरकार कुछ नहीं कहेगी आपस में लो, सुलटते रहो कोई टेंशन नहीं है लेकिन अगर तुमने कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करी और मैं इस वर्ड को स्पेशल एम्फिसाइज करूंगा भाई ऑर्डर जिसका मतलब क्या है मतलब है डिसिप्लिन अगर तुमने डिसिप्लिन बिगाड़ने की कोशिश करी अगर तुमने किसी भी लॉ का किसी भी कंट्री का किसी भी एरिया का किसी भी सोसाइटी का या अपने घर का जो एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए जो एक आपको प्रॉपरली जीने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए वो एक पीसफुल एनवायरमेंट डेकोरम अगर आपने डेकोरम को खराब करने की कोशिश करी अगर आपने डिसिप्लिन को खराब करने की कोशिश करी तो वो मामला जो आपके लोग आप जो आप सो so कॉल्ड आप कह रहे थे आपसी है जो आप कह रहे थे आपसी है वो मामला पब्लिक बन जाएगा जो आपका प्राइवेट मामला है वो पब्लिक बन जाएगा तो भाई सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता आप आपस में जो कुछ करो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक कोई इलीगल काम नहीं कर रहे नहीं ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया और ये सरकार को क्या फर्क पड़ता है ड्रग्स है? ना काम नहीं आप लीगल काम करो आप जिस भी तरह काम करोगे कोई टेंशन नहीं आप काम करते रहो लेकिन जिस दिन उस काम में आपने लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ा उस दिन सरकार आपके पीछे पड़ जाएगी सो भाई आपके आपसी जो लड़ाई झगड़े हैं आपके आपसी जिस भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं किसी भी तरह के लेन देन आपसी कर रहे हो ट्रांजैक्शन कर रहे हो आपसी आप जो भी आपसी करते रहो सरकार को कोई टेंशन नहीं है सरकार ने लॉ क्यों बनाया आपसी ट्रांजैक्शंस के लिए सरकार ने लॉ क्यों बनाया वॉलंटरी एक्ट्स के लिए सरकार ने लॉ क्यों बनाया कि वो रेगुलेट करना चाहता है दो लोगों के बीच की डीलिंग्स जो दो लोग अपने डीलिंग कर रहे हैं सरकार ने क्यों लॉ बनाया सरकार ने इसलिए लॉ बनाया क्योंकि सरकार चाहती है लॉ एंड ऑर्डर डिसिप्लिन चाहती है हर सोसाइटी में सरकार उस डिसिप्लिन के लिए जरूरी है कि अगर कोई आपसी कॉन्ट्रैक्ट में भी किसी तरह का डिस्प्यूट अराइज हो जाए किसी तरह की लड़ाई झगड़े वाली स्थिति अराइज हो जाए तो सरकार के पास एक लॉ होना चाहिए जिसके तहत वो आपसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके इसीलिए सरकार ना केवल कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लगती हैं उसमें लॉ बनाती है ना केवल ह्यूमन राइट जो बातें करती है उसमें लॉ बनाती है बल्कि सरकार अगर आपके कोई आपसी मतभेद है आपके कोई आपसी ट्रांजेक्शन है जिसका कंट्री से कोई लेना देना नहीं जिसका पूरी की पूरी सोसाइटी या कॉलोनी से कोई लेना देना नहीं आप और एक दूसरा बंदा जो इस आ, आ, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना कर रहे हो वही इसमें इन्वॉल्व है तो भी भाई सरकार इसमें लॉ बनाएगी सरकार जब लॉ बनाएगी तो आपकी प्राइवेट चीजों को भी छेड़ेगी आपके प्राइवेट डीलिंग्स को भी स्क्रूटिनाइज करेगी चेक करेगी और आपकी प्राइवेट चीजों को आपकी प्राइवेट डीलिंग्स को स्क्रूटिनाइज करके एक एमिकेबल सॉल्यूशन आपको देगी भले आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो सरकार आपको हर तरह का रेजोल्यूशन प्रदान करेगी तो ये होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो वॉलंटरी होते हैं बिटवीन टू पार्टीज दो पार्टीज की आपस की बात है ये एक सोर्स बनते हैं लॉ बनाने का ये सोर्स क्यों बनते हैं लॉ बनाने का क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती कि आप आपसी कॉन्ट्रैक्ट के एंड में लड़ाई झगड़ा करो जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है भाई बायर को क्या चाहिए बायर को चाहिए सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट एट ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी

कि हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट है वो उन उसके जो माता पिता होंगे उसके जो पेरेंट्स होंगे वो इन तीनों में से कौन होंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के माता पिता इन तीनों में से कौन होंगे ज़रा बस ये सोच के बता दो सर हमारे कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के जो जननी हैं जो जिसने पैदा किया है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को वो नेचुरल सी बात है वो है कॉन्ट्रैक्ट्स सो डीलिंग बिटवीन वॉलंटरी डीलिंग बिटवीन टू पार्टीज टू अटिकुलर ट्रांसैक्शन गिवस अराइज टू अर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एंड देर फॉर दोर्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्टीन सेवन इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉट द ह्यूमन राइट कमीशन बट इट इज द कॉन्ट्रैक्ट विच आर अराइजिंग फ्रॉम वॉलंटरी डीलिंग बिटवीन टू पार्टीज तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो वॉलंटरी डीलिंग से अराइज होते हैं उन पे एप्लीकेबल uh, होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इस एक्ट का ओरिजिन ओरिजिन uh, कहां से हुआ है? इसका हुआ है है इसका वॉलंटरी डीलिंग्स बिटवीन टू एंड मोर पार्टीज सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां से अराइज हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भाई अराइज हुआ कॉन्ट्रैक्ट वाले सोर्स ऑफ लॉ से जहां पर भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लीगेशन है तो मैं एक और वर्ड लिखता हूं बहुत अच्छा वर्ड है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लीगेशन जहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है किसी भी तरह की कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड ऑब्लिगेशन है वहाँ पर हमारे एक्ट को जो अराइज करने का जो एक्ट को पैदा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को दिया जाता है ठीक तो ये तीन सोर्सेज ऑफ लॉ और हमारे जो हम आज का एक्ट शुरू करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन उसका सोर्स क्या उसका सोर्स ये तीसरे वाला कॉन्ट्रैक्ट विच इज वॉल्टरी बिटवीन टू पार्टीज दो पार्टी जब वॉलंटरली किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन में एंटर होती हैं तब हमारा एक्ट शुरू तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है और वो कॉन्ट्रैक्ट किससे गवर्न होगा वो कॉन्ट्रैक्ट गवर्न होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन से ठीक है सर तो अब मैं ना कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करता हूं ठीक है आओ फोकस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है उसका बेसिस क्या है उसका बेसिक क्या है तो मैं पहले ये दोनों सोर्स मिटा देता हूं बस कॉन्ट्रैक्ट वाला सोर्स रखता हूं हमारा जो सोर्स है वो है कॉन्ट्रैक्ट जो दो पार्टीज के बीच में होगा ठीक है अब जरा समझना ये जो हम आज लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं मैंने आपको पहले बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और सेवेंटी uh, मार्क्स का आपके सिलेबस uh, में वेटेज रखता है और ना केवल यहां पर इंपॉर्टेंट है बल्कि जब आप सी एम इंटर में जाओगे तब भी ये वाला एक्ट आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है और जनरली भी जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं जनरली जिन्हें लॉ में इंटरेस्ट है भाई ये मदर ऑफ ऑल एक्ट्स है ये बेसिक ओरिजिन वाला एक्ट है जो बेसिक से आपके प्रिंसिपल्स uh, को बताता है आपके डिटेल्स को बताता है तो ये बहुत ज़्यादा एक बेसिक एक्ट है जो uh, uh, हमारे uh, uh, इंडिया में मौजूद है ठीक है अब देखना ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई कॉन्ट्रैक्ट व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट देखो भाई मैं एक चीज बड़ा एक जेनरिक फॉर्म में तुमको बताता हूं जेनरिक फॉर्म में ठीक है ये पूरी जो दुनिया है ना पूरी दुनिया इसमें जितने भी क्रीचर्स हैं जितने भी एनिमल्स हैं जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं प्लांट्स हैं पौधे हैं जो भी इसमें एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो एक गोल्डन प्रिंसिपल के आधार पर एग्जिस्ट करता है वो है लेन देन। इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो उसका मतलब होता है रेसिप्रोकेशन लेन देन इस समाज की जो आधारशिला है इस समाज का जो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे ये समाज बिल्ड हुआ है वो प्लेटफॉर्म है लेन देन आप किसी को कुछ बेनिफिट पहुंचाते हो और उससे किसी तरह का बेनिफिट डिराइव करते हो जिससे आपकी नीड्स सेटिस्फाई होती हैं सिमिलरली कोई और आपको कुछ बेनिफिट पहुंचाता है और आप उसको किसी तरह का बेनिफिट पहुंचाते हो सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं पेड़ पेड़ एनिमल्स को ऑक्सीजन देते हैं बदले में एनिमल्स पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड के बिना जिंदा नहीं रह सकते एनिमल ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते तो यह है लेन देन ये ट्रांजैक्शन है भाई और पूरे समाज की आधारशिला है पूरे जो ह्यूमन हैं उसका ये प्लेटफॉर्म है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कोई किसी को कुछ बेनिफिट पहुंचाएगा और किससे कुछ बेनिफिट लेगा चलो सृष्टि के सृजन पे जाते हैं सृष्टि का सृजन सर आप आज इतने हिंदी के टेक्निकल वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हैं भाई ऐसे ही है कभी कभी हिंदी के वर्ड्स भी यूज करना चाहिए हिंदी हमारी मातृभाषा है जो आप लोग सब भूल गए हो तो आपको मैं आ, आ, सिखा रहा हूं भाई ओके तो मैं ना एक बेसिक फिनोमिना पे जाता हूं जो कि है बर्थ ऑफ अ चाइल्ड तो देखना जब एक चाइल्ड का बर्थ होता है तो सिर्फ एक चाइल्ड का बर्थ नहीं हो रहा एक रिलेशनशिप का बर्थ हो रहा है सर क्या pounds, मतलब देखना भाई चाइल्ड मदर का रिलेशनशिप बॉर्न हुआ जैसे चाइल्ड आया जैसे कोई बच्चा इस दुनिया में आया वो पैदा हुआ अपनी माँ के गर्भ से तो एक चाइल्ड मदर का रिलेशनशिप पैदा हुआ अच्छा और क्या रिलेशनशिप पैदा हुआ चाइल्ड और फादर का रिलेशनशिप पैदा हुआ और ये चाइल्ड सिर्फ इंसानों का चाइल्ड की बात नहीं कर रहा मैं मैं जानवरों के चिल्ड्रन की भी बात कर रहा हूं भाई जानवरों में भी जो एनिमल्स में भी जो आ, बच्चे होते हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ तो ये मैं जेनरिक बात कर रहा हूं जितने भी होमोसेपियंस हैं उनकी बात भी कर रहा हूं जो भी एनिमल हैं वो उनकी बात कर रहा हूं तो जैसे ही एक चाइल्ड आया इस दुनिया में जो कि सृष्टि का सृजन है जो एक मूल बीज है सृष्टि का तो किस चीज का जन्म हुआ क्या सिर्फ उस चाइल्ड का जन्म हुआ या किसी तरह के रिलेशनशिप का जन्म हुआ भाई रिलेशनशिप का जन्म हुआ कौन सा है वो रिलेशनशिप मां और बच्चे का रिलेशनशिप और बाप और बच्चे का रिलेशनशिप अब आप पूछोगे सर अगर ये रिलेशनशिप है तो क्या इस रिलेशनशिप में भी कोई आदान प्रदान हो रहा है एक और अच्छा वर्ड सूझा भाई, लेन देन के अलावा एक और अच्छा वर्ड आदान प्रदान सर आज तो हिंदी में आप पक्का लग रहा है कि कुछ कोई बहुत अच्छा नॉवल या हिंदी के कुछ वीडियोस देख के आए हो? नहीं भाई नहीं ये नेचुरली निकल रहा है आदान प्रदान तो कुछ आदान प्रदान यहां पर भी हो रहा है क्या क्या कुछ लेन देन की बातें यहां पर भी हो रही है क्या अरे सर आप क्या बात कर रहे हो जरा अच्छा। सा हाथ भर का बच्चा अभी अभी नया नया पैदा हुआ वो कैसे बातें करेगा लेन देन की वो अपनी मम्मी से कैसे बोलेगा कि मम्मी मुझे आ, आ, रिमोट कार प्रदान हो रहा है यहां भी सोच के बताओ क्या आदान प्रदान हो रहा है वर्ड्स में नहीं लेकिन कोई ना कोई फीलिंग्स में आदान प्रदान हो रहा है सर आदान प्रदान ये हो रहा है कि मां ने बच्चे को वादा किया परवरिश देने का प्रोटेक्शन देने का हेल्थ देने का और एक अच्छा उसको ह्यूमन बीइंग बनाने का मां ने एक इंप्लिसिट वादा किया मां ने एक इंप्लिसिट वादा किया माँ ने बच्चे को वादा किया कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी मैं तुम्हें हेल्दी जीवन दूंगी और मैं तुम्हें एक अच्छा ह्यूमन बींग बनाऊंगी माँ ने ये वादा किया जैसे ही माँ के पास बच्चा है और ये जो वादा है ये ना केवल इंसानों की माँ करती है बल्कि ये जानवरों की माँ भी करती है उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं

और जरा बताना क्या कुछ इंप्लिसिट वादे बच्चे ने भी मां को करे क्या कुछ एक नेचुरल इम्प्लिसिट वादे बच्चे ने भी मां को करे हां भाई बच्चे ने भी मां को करा क्या वादा करा बच्चे ने मां को बच्चे ने मां को वादा करा कि मां मैं तो तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगा उम्र भर बहुत सारा प्यार दूंगा मैं तुम्हारा केयर करूंगा जब तुम आ, 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 बहुत एज की हो जाओगी तब भी तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारा बहुत 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 रिस्पेक्ट करूंगा रिस्पेक्ट तो ये बच्चे ने कुछ इम्प्लिसिट मदर को वादा किया जैसे ये रिलेशनशिप

बच्चे के मन में भी बाप के लिए कोई फीलिंग होती है हाँ सर वही वाली फीलिंग बच्चे के भी मन में बाप के लिए होती है कि बच्चा कहता है एक इम्प्लिसिट रिलेशनशिप है आदान प्रदान क्या बच्चा क्या देगा पिताजी को बच्चा देगा लव केयर रिस्पेक्ट बच्चे ने वादा किया कि हाँ मैं अपने फादर को ताउम्र अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझूंगा और उनको जो भी नेसेसिटी चीजें चाहिए वो सब मुहैया कराऊंगा और कभी भी उनकी डिसरेस्पेक्ट नहीं करूंगा तो ये कुछ इम्प्लिसिट आदान प्रदान हुआ इम्प्लिसिट आदान प्रदान हुआ अब कुछ एक्सप्लिसिट आदान प्रदान देखते हैं एक्सप्लिसिट आदान प्रदान क्या हुआ भाई तो जो मम्मी थी मम्मी ने एक मेड को हायर किया मेड को बोला सुन मेड शाम को जब भी मेरा बेटा पार्क जाएगा तो तुझे उसे प्रोटेक्शन देनी है कोई और बच्चा उस पर हमला ना करे कोई और जंगली जानवर उस पर हमला ना करे वो कहीं गिर ना जाए झूले पैसे झूला झूलते हुए उसकी कोई चोट ना लग जाए किसी भी तरह की उसकी जरूरत ना हो इस तरह की किसी भी तरह की प्रोटेक्शन होगी वो तुम दोगे मेरे बच्चे को जब मेरा बच्चा पार्क में खेलने जाएगा फिर मेड को और क्या बोला भाई मेरे बच्चे का फूड का सारा ध्यान तुम्हें देना पड़ेगा तो ये किसका रिलेशनशिप है भाई मदर एंड मेड का रिलेशनशिप है मदर एंड मेड का रिलेशनशिप है अच्छा ये इम्प्लिसिट नहीं है ये चुप्पी में या फीलिंग्स में एक्सप्रेस नहीं हो रहा ये तो भाई रिटर्न में एक्सप्रेस हो रहा है ये तो ये तो ओरली एक्सप्रेस हो रहा है वर्ड्स में एक्सप्रेस हो रहा है ये वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं हुआ था <coughs> ये वर्ड्स में एक्सप्रेस हो रहा है ठीक है तो मेड को बोला गया भाई मेड तुम जो खाना बनाओगी वो एकदम पौष्टिक होना चाहिए न्यूट्रिशियस होना चाहिए उसमें मेरे बच्चे की न्यूट्रिशन का तुम ध्यान रखोगी और तीसरी चीज तुम मेरे बच्चे की हाइजीन का बिल्कुल ध्यान रखोगी हाइजीनिक कपड़े पहनाओगी डिटॉल में धुले हुए कपड़े उसको जॉनसन्स बेबी पाउडर से सुबह शाम आपको उसको लगाना है उस पर और निलहाना है और पूरा प्रॉपर हाइजीन का तुमको ध्यान रखना है मेरे बेबी का ठीक है अब इसके बदले जो मदर ने मेड को वादे किए मेड ने मदर से क्या बोला भाई मेड ने मदर से बोला ठीक है भाई मैं इस सर्विस को प्रोवाइड करने के फोर थाउजेंड रुपीज पर मंथ आपसे चार्ज करूंगी तो यहां जो आदान प्रदान हुआ वो मॉनेटरी टर्म्स में हमने डिस्क्लोज कर दिया यहां जो आदान प्रदान हुआ वो मॉनेटरी टर्म्स में डिस्क्लोज करने लायक नहीं था वो कोई मॉनेटरी टर्म्स में डिस्क्लोज नहीं हुआ यहां जो आदान प्रदान हुआ वो मॉनेटरी टर्म्स में डिस्क्लोज हो गया सो दिस इज हाउ मैंने आदान प्रदान जो बेसिक ट्रांजैक्शन है जो ह्यूमन बीइंग्स की बेसिक एग्जिस्टेंस है उसको मैंने एक अगले लेवल तक आपको मैं लेके गया चलो अब अगले लेवल पे लेके चलते हैं भाई आपने अब आप बच्चा बड़ा हो गया बच्चा जैसे ही बड़ा हुआ वैसे ही फादर ने बच्चे से बोला जो ये फादर था इसने बच्चे से बोला तुम बोर्ड्स में ना नाइन्टी परसेंट मार्क्स ले आओ। मैं तुम्हें घड़ी दिलवा दूंगा एक फास्ट ट्रैक का जो लेटेस्ट मॉडल आया ना शॉक एब्जॉर्बर दिलवाऊंगा फादर ने बच्चे को कहा अगेन आदान प्रदान बच्चा फादर को क्या देगा 90 परसेंट मार्क्स फादर बच्चे को क्या देगा एक फास्ट ट्रैक की वॉच आदान प्रदान बच्चा जब बड़ा हुआ उसने फ्रेंडशिप करी अपने क्लास के और बहुत सारे दोस्त बनाए तो आ, दोस्तों से आदान प्रदान किस तरह हुआ दोस्तों से आदान प्रदान हुआ भाई आ, मेरी हिस्ट्री बहुत वीक है तो मैं हिस्ट्री की क्लास अभी कैंसिल कर दूंगा, मैं उसमें दूंगा नहीं तू मुझे अपना रजिस्टर दे देना तो दोस्त ने बोला अच्छा तुझे हिस्ट्री का रजिस्टर चाहिए ठीक है मुझे तू अपना इंग्लिश का रजिस्टर दे दियो क्योंकि तेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो मैं इंग्लिश कॉपी कर लूंगा ये क्या हुआ आदान प्रदान तो किसी भी तरह का आदान प्रदान किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन किसी भी तरह का लेन देन फॉर्मल तरीके से अगर मैं बोलूं टेक्निकल वर्ड उसका अगर मैं आपको बताऊं तो वो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल वर्ड अगर मैं उसका आपको बताऊं तो उसका फॉर्मल वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट और किसी भी तरह का आदान प्रदान जो इस पूरे के पूरे अर्थ पे हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लेकिन हां कुछ तरह के आदान प्रदान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनकी चर्चा ही करेंगे बस तो अब जैसे रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड फादर रिलेशनशिप बिटवीन चाइल्ड एंड मदर रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड चाइल्ड इस तरह के रिलेशनशिप की बात तो करेंगे कि ये किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लेकिन लॉ में कोई पनिशमेंट इस पर नहीं रखेंगे भाई किसी तरह की पनिशमेंट नहीं रखेंगे किसी तरह के लीगल बाउंडेशन नहीं रखेंगे क्योंकि ये उनका भाई पर्सनल मैटर है इसमें अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो हम किसी तरह का पनिशमेंट नहीं रखेंगे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स या सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स ये सोशल हैं तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होंगे जिनमें हम हाथ खड़े कर देंगे इनके रिलेटेड हम लॉ नहीं बना सकते ये कॉन्ट्रैक्ट तो है ये अग्रीमेंट तो है ये लेन देन तो है ये ट्रांजेक्शन तो है लेकिन इसके लिए हम लॉ नहीं बना सकते हम हाथ खड़े कर देंगे ऐसे लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होंगे जिनके लिए हम पक्का से लॉ बनाएंगे जैसे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए हम पक्का लॉ बनाएंगे जब आपने अपनी मेड से वादा किया कि हाँ हमें हम चार हजार रुपए पर मंथ देंगे और तुम्हें हमें ये, ये सर्विसेज देनी है ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम जरूर लॉ बनाएंगे लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होंगे जिनमें हम हाथ खड़े कर देंगे हाँ डिस्कस सब कुछ करेंगे डिस्कस एक छोटे से छोटा कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे छोटे से छोटा लेन देन भी करेंगे छोटे से छोटा आदान प्रदान रेसी प्रोकेशन हर चीज डिस्कस करेंगे लेकिन जरूरी नहीं है हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लॉ लिखें हम लॉ जो लिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लिखेंगे कमर्शियल अग्रीमेंट्स के लिए लिखेंगे हम सोशल अग्रीमेंट्स uh, uh, के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉ नहीं बनाएंगे हम बोल देंगे भैया हम नहीं बना सकते ये लॉ ये तुम जानो आपस के लोग तुम जानो इसमें हम हाथ खड़े कर देते हैं अच्छा सर और इसमें अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो भाई इसमें अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो कोई क्रिमिनल ऑफेंस अगर तुमने किया तो हम तुम्हें क्रिमिनल लाइबिलिटी के थ्रू पनिश करेंगे जैसे तुमने किसी का सर फोड़ दिया अब अगर ये वो सर इसलिए फोड़ा क्योंकि सर मेरे पिता मेरे को जायदाद मेरे नाम ट्रांसफर नहीं कर रहे थे इसलिए मैंने पिता का जा, जा, सर फोड़ दिया तो जायदाद वाली बात पे तो कोर्ट साइलेंट रहेगा वो तो तुम जानो और तुम्हारे पिता जाने तुमने जो सर फोड़ा इस पर हम क्रिमिनल लाइबिलिटी क्रिमिनल एक्ट क्योंकि तुमने किया है हम इस पर तुम्हें चार्ज कर लेंगे विल वाली जो बात है कि कोई तुम्हारे नाम ट्रांसफर नहीं कर रहा कोई चीज ये तुम जानो तुम्हारे फादर जाने हमारे इससे कोई मतलब नहीं है भाई So? हम जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो बहुत सारे तरह के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे और मैंने आपको बताया पूरी सृष्टि ही कॉन्ट्रैक्ट है ये पूरी की पूरी सृष्टि ही एक तरह से लेन देन की प्रक्रिया है आदान प्रदान की प्रक्रिया है और इस आदान प्रदान से ही ये पूरी सृष्टि चलती है चलायमान है तो कोई चीज हमें कुछ बेनिफिट देती है हम उसको बदले में कोई और बेनिफिट देते हैं पानी जैसे पानी होता है पानी हमको या पेड़ों को बेनिफिट देता है कि वो पेड़ों की सिंचाई करता है और पेड़ पानी को क्या बेनिफिट देते हैं कि पानी जब पेड़ों के जड़ों से छन के नीचे जाता है तो वो फ्रेश हो जाता है उसमें सारे कीटाणु खत्म हो जाते हैं जब वो मिट्टी से छन के नीचे जाता है तो ये पानी और पेड़ों के बीच का आदान प्रदान है पूरी सृष्टि इस आदान प्रदान पे डिपेंड करती है तो पूरी की पूरी सृष्टि एक कॉन्ट्रैक्ट है अगर पूरी की पूरी सृष्टि एक कॉन्ट्रैक्ट है मेरे बस की नहीं है पूरी की पूरी सृष्टि के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉ बनाना मैं सिर्फ उन कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉ बनाऊंगा जो मेरे बस की होगा और हम डिफाइन करेंगे लॉ शुरू होते ही एक्ट शुरू होते ही कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स पे हम लॉ बनाएंगे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स पे हम लॉ नहीं बनाएंगे

जनरल अंडरस्टैंडिंग के परस्पेक्टिव से समझाया कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं ठीक है का कि नीचे वाला पार्ट आपको मन नहीं कर रहा होगा चलो कोई बात नहीं पढ़ते हैं जरा नीचे वाला पार्ट ये मैंने एक टाइमलाइन बनाई है जो आप अपने रजिस्टर में बना सकते हो ये टाइमलाइन हमारे लॉ को चार भागों में डिवाइड करती है तो भाई सबसे पहला जो भाग है वो है फर्स्ट सेप्टेम्बर एटीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे चैप्टर का हमारे एक्ट का हमारा जो एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कब इजाद में आया ये आया भाई फर्स्ट सितंबर 1872 में इजाद में और नेचुरल सी बात है ये अडॉप्ट किया गया इंग्लिश लॉज से ये अडॉप्ट किया गया इंग्लिश के संविधान से इंग्लिश के जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसके प्रिंसिपल्स हमने अडॉप्ट करे भाई कारण क्या था कारण ये था उस समय हमारे पास अपने लॉज नहीं थे तो हम उस समय क्या करते हम लोगों ने इंग्लिश लॉज को कॉपी किया और उन्हें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर दिया यहाँ तक कि अगर मैं आपको एक सच बात बताऊँ फैक्ट की बात बताऊँ दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना वो भी इंग्लिश लॉ से ही वो ब्रिटिश लॉ से ही कॉपीड है हाँ उसमें इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस करे गए हैं बस ये हुआ है तो मोस्टली जितने भी लॉज हैं क्योंकि इंग्लिश लॉज क्योंकि इंग्लिश का जो कल्चर है इंग्लिश कल्चर uh, वो बहुत पुराना है और बहुत ज़्यादा लॉ बेस्ड है उन्होंने हर चीज़ फॉर्मली रखी भाई जैसे हिंदुस्तानियों ने हर चीज़ इनफॉर्मली रखी इनफॉर्मली मतलब ये एक आ, ये एक आ, आ, हमारा बेसिक कल्चर था या नेचर था कि हम सबकी रिस्पेक्ट करेंगे हमने किसी को वादा किया कि हम तुम्हें तो हजार रुपए देंगे तो हम अपने वादे से मुकरेंगे नहीं हमने ये अपने कल्चर में अपनी सभ्यता में इम्बाइब किया हमने ये अपने आ, संस्कारों में इम्बाइब किया रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई ये हमने अपने संस्कारों में इम्बाइब किया इंग्लिश लोगों ने क्या किया इनको रिटर्न में लिख लिया और से लॉ बना दिया जो रिटर्न में लिखने वाली बात है हमने भी करी लेकिन हमने ट्रेडिशनल तरीके से करी हमने वेद उपनिषद पुराण जो कुरान बाइबल इन सब धार्मिक ग्रंथों में हमने वो अपने रूल्स लिखे लेकिन उनको एक फॉर्मल सोसाइटी वाला ढांचा नहीं दिया जो कि ढांचा ब्रिटिशर्स ने दे दिया था, तो हमने उनके ढांचे से ही इसे कॉपी किया और अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करे तो बस फर्स्ट में लागू हुआ इंडियन Act, उस इंडिया, इंडियन था जो बेसिक था वो था इंग्लिश लॉज इंग्लिश कॉमन लॉज जो पहले चलते आ रहे थे उन लॉज को हमने अडॉप्ट कर लिया uh, तो बताइए को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लागू हुआ ठीक है सर इससे पहले क्या होता था भाई इससे पहले हम हम थोड़ी सी रैंडमनेस रैंडमनेस करते थे रैंडमनेस मतलब हम जो लॉ मिला उसी को लगा देते थे तो देखो हम क्या करते थे हम कुछ इंग्लिश लॉज के बेसिस पे अपने जजमेंट्स देते थे इंग्लिश लॉ को लगा देते थे ऑल द इंडिया पे वो स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं होते थे बट क्योंकि वही एक रेफरेंस होता था हम उन इंग्लिश लॉ को लगा देते थे फिर भाई हमारे पास कुछ रिलीजन स्पेसिफिक लॉज हुआ करते थे वो अभी भी हैं बट बहुत मॉड्यूलेटेड फॉर्म में हैं तो वो है हिंदू पर्सनल लॉ तो हमारे जो हिंदुज़म में जो ग्रंथ हुए हैं उसमें कुछ सोसाइटी के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बताए गए हैं सोसाइटी को किस तरह व्यवहार करना चाहिए वो बताया गया है तो उनके बेसिस पे हमने कुछ एक पर्सनल लॉ बना लिया था हिंदू पर्सनल लॉ तो कोर्ट में जब हिंदुओं के अगेंस्ट मुकदमा आता था वो हिंदू पर्सनल लॉ को देखने लगते थे मुस्लिम्स के अगेंस्ट जब मुकदमा आता था तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को देखने लगे थे इस तरह के बहुत सारे कुछ 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 सोर्सेज होते थे कोई सटीक चीज़ नहीं थी हमारे पास कोई प्रिसाइज चीज़ नहीं थी

भाई मैंने इसके सेक्शन क्यों लिखे हैं सेक्शन तो हम जब एक्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ना हाँ भाई तब भी पढ़ेंगे मुझे बस कुछ एक बेसिक बात आपको बतानी थी आओ देखते हैं जब 1872 में ये वाला लॉ आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 तब इसमें एक से लेकर 266 सिक्सटी वन से लेकर 266 सेक्शन हुआ करते थे तो 1 से 75th सेक्शन होता था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए जनरली जब दो लोग आपस में वॉलंटरी रिलेशनशिप करें तो उन्हें किन-किन चीजों की सावधानी बरतनी है 1 से 75 होता था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ 76 से 123 होता था सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट uh, uh, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जहां सेल्स ऑफ गुड्स सब्जेक्ट मैटर होगा तो देखो कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे तरह के हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है सर्विसेज uh, प्रोवाइड uh, करने का कॉन्ट्रैक्ट की जैसे ये मेड की सर्विसेज मैंने दी किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है उसमें एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ गुड्स के डेडिकेटेड सेक्शन थे क्योंकि नेचुरल सी बात है यार सेल्स ऑफ गुड्स सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे मेन कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारा इकोनॉमी है ना वो जो बेस उस जिस चीज पे टिकी है सेल्स ऑफ गुड्स पे टिकी है गुड्स का खरीदना बेचना सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है

कहां पर गिवन था वो लॉ गिवन था 239 से 266 सेक्शन अब जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली गई तो देखो यहां अनकॉम्प्लिकेटेड था पूरा मामला जब यहां मामला अनकॉम्प्लिकेटेड था हमें लगा नहीं भाई अब तो कॉम्प्लिकेशन राइज होनी शुरू हो जाएंगी हमें ये जो हम रैंडमली किसी भी एक्ट को चूज कर लेते हैं उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि अब सेल्स ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई और उसने ट्रेडिंग करनी शुरू करी कॉम्प्लीकेशन बढ़ गई हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ले आओ नहीं तो हम नहीं संभाल पाएंगे कॉम्प्लिकेशन किसी भी रैंडम एक्ट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ले आओ ले आए अब अच्छा, जब और कॉम्प्लिकेशन बढ़ी और कॉम्प्लीशन मतलब भाई सेल्स ऑफ गुड्स तो अपने आप में 90% परसेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को होल्ड करता है तो 90% परसेंट जितने भी पूरे के पूरे इंडिया में बनते हैं वो किस चीज से रिलेटेड होते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो भाई इसके लिए हमें एक अलग एक्ट चाहिए हम सेम एक्ट पे नहीं आ, काम कर सकते तो इसके लिए जो अलग एक्ट बना उस एक्ट का नाम पड़ा सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन 1930 में इन सेक्शंस को खत्म कर दिया गया 76 से 123 सेक्शंस को खत्म कर दिया गया और एक अलग एक्ट बना दिया गया क्योंकि भाई सीधी सी बात है एक ही चीज में कॉम्प्लिकेशन डालते 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 जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे इतनी खिचड़ी बन जाएगी इसके अंदर कि तुम खुद ही परेशान हो जाओगे सेग्रीगेट करना जरूरी है जैसे मेरे होनहार बच्चे इनफैक्ट जो बच्चे फाउंडेशन के होते हैं तो बड़े ही होनहार होते हैं भाई मैं तुम्हें तो कहानी बता सकता हूं मेरे होनहार बच्चों की जो मेरी क्लास में आते थे तो भाई रजिस्टर एक रजिस्टर होता है रजिस्टर वो रजिस्टर जहां से शुरू होता है से उनका सब्जेक्ट शुरू होता था मैथमेटिक्स और रजिस्टर जहां पर खत्म होता है वहां से उनका सब्जेक्ट शुरू होता था इंग्लिश और रजिस्टर के जो जो बीचों बीच जो दो स्टेपल पिन लगे होते हैं जहां बिल्कुल सेंटर होता है वहां से राइट हैंड साइड की तरफ शुरू होता था इकोनॉमिक्स और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शुरू होता था बिजनेस स्टडीज मतलब एक ही रजिस्टर में चार सब्जेक्ट का वो लोग काम करते थे अच्छा इलेवन ट्वेल्थ की बात नहीं कर रहा भाई मेरे इंटर और फाइनल के बच्चे भी ऐसे करते हैं सीएम फाइनल का बच्चा मैंने देखा मैं सीएमए फाइनल में दो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे हाथ में था का अच्छा मैंने कहा बीवीएम का भी रजिस्टर निकालो उसने कहा लाइए सर रजिस्टर दीजिए मैंने कहा अरे मुझे देखने दो तुम बीवीएम का इतनी देर में रजिस्टर निकालो कहते यही बीवीएम का भी रजिस्टर है मैंने देखा एक ही रजिस्टर में पीछे से बीवीएम स्टार्ट हो रहा था आगे से कॉस्टोइ स्टार्ट हो रहा था और बाय चांस अगर एक भी तरफ का भरा पेज तो जो नई बुक आएगी और जो नया रजिस्टर लगेगा उसमें जो कॉम्प्लिकेशन होंगी वो वो बच्चा इमेजिन भी नहीं कर सकता क्योंकि जैसे जैसे व्यर्थ बढ़ती है एक सब्जेक्ट की जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है एक सब्जेक्ट की वैसे वैसे अगर तुम मल्टीपल रजिस्टर्स रखो तो कन्फ्यूजन होगा ना यहाँ से वहां जाओ वहां से वहां जाओ कन्फ्यूजन बढ़ता चला जाएगा इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बढ़ता जा रहा था 76 से 123 तक वो करटेल नहीं हो पा रहा था उसकी विद्ध बढ़ती जा रही थी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती थी ट्रांजैक्शन बढ़ती थी गुड्स एक्ट नाइनटीन ये बनाया गया फर्स्ट ऑफ जुलाई 1930 को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अच्छा सिमिलरली पार्टनरशिप बहुत ज्यादा होने लगी जैसे जैसे समय आगे बढ़ा दो लोगों के बीच में साझे का काम होना बहुत ज्यादा शुरू हो गया क्योंकि ऑब्वियसली एक आदमी एक बिजनेस को फुल्ली अगर बिजनेस बढ़ जाता है तो एक आदमी उस बिजनेस को संभाल नहीं सकता अकेले तो उसने पार्टनरशिप करनी शुरू करी दूसरे लोगों के साथ और पार्टनरशिप के एक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगे बहुत ज्यादा लेंदी होने लगे तो हमने क्या किया भाई हमने फर्स्ट अक्टूबर नाइनटीन को क्या बना दिया हमने बना दिया पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये हमने एक अलग एक्ट बना दिया इस एक्ट में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप की बातें करेंगे उससे रिलेटेड राइट्स एंड लाइबिलिटीज को आ, आ, देखेंगे कैसे दो पार्टनर्स आपस में बिजनेस करते हैं उनकी शेयरिंग रेश क्या होनी चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट होता है वो सब हमने बनाया वो सब हमने फर्स्ट अक्टूबर को अलग कर दिया तो भाई ये भी सेक्शन गायब हो गया हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन से आज की डेट में भी जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को खोलोगे उसमें ये वाले सेक्शंस आपको नहीं मिलेंगे 76 से 123 239 से 266 सेक्शंस नहीं मिलेंगे क्यों क्योंकि टेक्निकली इस खत्म होने को या इन सेक्शंस को फिनिश होने को क्या बोलते हैं टेक्निकली इस इनको टेक्निकली बोलते हैं रिपील्ड रिपील्ड ये सेक्शन रिपील हो गए रिपील मतलब ये सेक्शन खत्म हो गए तो ये दोनों सेक्शन के जो सीरीज है इनको खत्म कर दिया गया और इनके लिए एक नया एक्ट बना दिया गया दोनों के लिए जिनका नाम हुआ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन तो आप चाहो तो ये वाली टाइमलाइन अपने रजिस्टर में बना सकते हो क्योंकि हिस्ट्री किसी भी लॉ की जानना बहुत ज्यादा जरूरी है वो क्यों आया उसका रीज़न क्या था आने का और उसका पर्पस क्या है क्यों उसको हम पढ़ें हम पढ़ाई क्यों करें उस लॉ की ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि मैंने इस वाले बोर्ड पर पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन किया सो दिस इज द पर्पस ये पर्पस एंड द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन हेलो बच्चों कैसे हैं आप मैं सी एस सी में संतोष कुमार मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड मेरे बच्चों इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स से किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिनस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए मेरे बच्चों कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं मैं चाहता हूँ कि वो आपसे शेयर करूं करो हेलो मई नेमशिकाइंग टीचर अरे मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ आपको